ये बुद्धाज टीचिंग चैनल है। बुद्ध के शिक्षा संबंधी बातें, चर्चा, उपदेश यहाँ होते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन भर जो उपदेश दिए बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद, वो धम्म को धम्म और विनय के रूप में संज्ञायित किया। वही धम्म और विनय को सम्राट अशोक के समय में सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक करके त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। आज के परिस्थिति में तथागत बुद्ध के सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, सबसे आधिकारिक बुद्ध वाणी धम्म ग्रंथ यही त्रिपिटक है। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक में सुत पिटक अंतर्गत एक मध्यम निकाय में एक सूत्र आता है, अलग दूपम सूत्र। तो वो सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं ये धम्म नाव समान है। नाव समान कैसे? तो तथागत बुद्ध वहां एक उदाहरण देके समझाते हैं। कोई एक इंसान जंगल के राह में चलते हैं। अभी जंगल के राह बोले तो हमेशा वहां लोग चलते नहीं, इसलिए रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं देता। तो चलते 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 वो रास्ता भटक गया। अभी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? जंगल इतना भयावह, इतना कि वहां तो अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि किस दिशा से आए, किस दिशाओं में जाना है, उत्तर कहाँ है, पूर्व कहाँ है, पश्चिम क्या है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो वो डर के मारे यहाँ भागता है, वहां भागता है। अरे वो जंगल है, कभी भी कहीं से भी कोई भी जानवर आके उसको मार सकता है, अंधेरा हुआ तो और भयानक। तो वो भागते भागते अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागते भागते अंततः वो जंगल के एक किनारे में पहुंच जाते हैं। वो किनारे में बहुत बड़ा नदी है। वो देखता है वो जहां खड़ा है वो जंगल भयावह है, कभी भी वो मर सकता है। और नदी के उस किनारे देखते हैं, वहां कोई भी डर नहीं, कोई भी त्रास नहीं। तो वो तो इच्छा उसी किनारे जाने का ही करेगा, मगर जाएंगे कैसे? नदी इतना बड़ा कि वो ऐसे तैर के भी नहीं जा सकता, और वहां जाने के लिए पुल भी नहीं। तो वो क्या करता है, यहां वहां से लकड़ी ये वो जमा करके एक छोटा सा नाव बनाता है, और वो नाव के सहारे मुश्किल से दूसरे किनारे पहुंचता है। और वहां पहुंचने के बाद देखता है कि अभी वो जहां आ गए वो सुरक्षित है, कोई डर नहीं, कोई त्रास नहीं। उस किनारे जंगल में भय ही भय था, डर ही डर था। तो ये नाव ने मेरी जिंदगी की रक्षा किया, मुझे बहुत उपकार किया करके वो नाव को जहां जहां जाते वहीं लेके जाना है या वहीं छोड़ के जाना है। तथागत बुद्ध कहते हैं नाव का काम नदी पार करने के लिए पानी में ही आता है, जहां जहां लेके गया तो एक बोझ जैसा होगा, इसलिए वहीं छोड़ के जाना है। वो नाव जिसका प्रमुख उद्देश्य है नदी को पार करना, ऐसे ही ये धम्म का भी प्रमुख उद्देश्य है जीवन में जितना भी दुख है, जितना भी क्लेश है, जितना भी अशांति है, उससे पार जाना। इसलिए धम्म कभी भी हमें दुख और तकलीफ दे रहा है, धम्म कभी भी हमें पार दे रहा है, तो समझ लीजिए सही रूप में वो धम्म नहीं है। धम्म कभी भी हमें दुख नहीं देगा।
धम्म तो वो दुख को निकालने के लिए काम आएगा, अशांति नहीं देता, शांति देने के लिए काम आएगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने नदी पार करने के लिए जिस तरह नाव है, वैसे ही दुख से पार जाने के लिए ये धम्म है करके धम्म का उपदेश दिया। साधु, साधु, साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।